बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आकृति 6.20 में DE समांतर है OK, DE समांतर है OK और DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। तो हमें ये दिखाना है कि EF समांतर है। देखो आपको ये समझना है, हमें समांतर दिखाना है। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि अगर समांतर है तो समानुपात में होती है, और विलोम क्या कहता है कि अगर समान अनुपात हो तो समांतर होती है। तो हमें समांतर तक पहुंचने के लिए समान अनुपात दिखाना पड़ेगा। अब किसकी बात हो रही है, EF और QR, इनको हमें समांतर दिखाना, यानी कि हमें एक्चुअल में क्या दिखाना पड़ेगा, अनुपात समान दिखाना पड़ेगा, यानी कि PE बटे में EQ, PE बटे में EQ और PF बटे में FR, PF बटे में FR। अगर हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब समान अनुपात हो गया। और विलोम क्या कहता है, इस प्रमेय का विलोम कि अगर समान अनुपात में है तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी, और अगर समांतर होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल में हमें यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, इसको यूज करके जो चीज दे रखा है। अब आप देखेंगे कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, त्रिभुज हमारे पास ये बन गई, कौन सी होगी, POQ। अब लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में हमारे पास क्या है, DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। तो हम लिख सकते हैं कि PE बटे में EQ, PE बटे में EQ बराबर है PD बटे में DO, PD बटे में DO। इसको समीकरण एक मान लिया। और ये कैसे मिला हमें, ये हमें मिला क्योंकि समांतर है हमारे पास, तो थेल्स इसी प्रकार दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास DF समांतर है OR के, तो ये ट्रायंगल मिलेगी हमें त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हमारे पास है कि DF समांतर है OR के, इसलिए हमारे पास त्रिभुज है ना, हमारे पास तो हम लिख सकते हैं कि PD बटे में DO, PD बटे में DO बराबर है हमारे पास PF बटे में FR, PF बटे में FR। तो ये समीकरण 2 हो गए, ये भी हमारे पास थेल्स प्रमेय द्वारा हो, थेल्स प्रमेय द्वारा। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, PE बटे में EQ बराबर है PD बटे में DO, और यहाँ पे PD बटे में DO बराबर है PF बटे में FR, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे हमारे पास। तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि PE बटे में EQ बराबर है PF बटे में FR। अब देखो हमें कहां तक पहुंचना था, पहुंच गए हम PE बटे में EQ और PF बटे में FR पहुंच गए। अब ये समानुपात में है तो यहां लिख देंगे क्योंकि भुजाएं समानुपात में है इसलिए, अगर ऐसे लिख दो अगली लाइन में, इसलिए क्या कह सकते हैं कि EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के, यही हमें सिद्ध करना था। Hence, proof। तो
बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर समांतर है तो समानुपात में होंगे, ये थेल्स प्रमेय है, और अगर समानुपात में है तो समांतर होंगे, ये उसका विलोम है। जो चीज गिवन है वो आपको यूज करनी है, जो चीज दे रखी है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आंसर तक नहीं पहुंचोगे। जैसे ही आप उसको यूज कर लेते हो और उनके बीच में एक रिलेशन बना लेते हो, आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही है। आकृति 6.21 में, 6.21 आकृति है हमारे पास में, क्रमश है ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु, ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु एबीसी, एबीसी, ए हमारे पास ओपी पे है, बी हमारे पास ओक्यू पे है और सी हमारे पास ओआर पे है। इस प्रकार है कि एबी समांतर है पीक्यू के, एबी समांतर है पीक्यू के, एसी समांतर है पीआर के, हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि बीसी समांतर है क्यूआर के। तो फिर वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही है, हमें दिखाना है कि देखो बीसी, बीसी समांतर है क्यूआर के, क्यूआर, देखो ये बीसी और ये क्यूआर, तो बीसी क्यूआर, तो ये ट्रायंगल होगी हमारे पास, तो इस ट्रायंगल में हमें समांतर दिखाना है, तो यानी कि समानुपात चाहिए, तो समानुपात क्या बनेगा, ये हो जाएगा ओबी बटे में, ओबी बटे में बी क्यू और ओसी बटे में सीआर। तो अगर हम यहां पे पहुंच जाए तो हम ये कह देंगे कि थेल्स परिमेय के विलोम द्वारा, क्योंकि समानुपात में है इस वजह से समांतर है, तो हमें यहां पे पहुंचना है। अब देखो यूज क्या करना है, एबी समांतर है पी क्यू के, तो एबी, एबी समांतर है पी क्यू के, तो ट्रायंगल ये हो जाएगी हमारे पास, हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के, इसलिए ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी बराबर है ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू, समीकरण 1 और थेल्स परिमेय द्वारा, तो ये हमने यूज कर लिया। इसी प्रकार, इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज के बारे में देखते हैं, एसी समांतर है, एसी समांतर है पीआर के, तो ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगी, तो त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या है हमारे पास, एसी समांतर है पीआर के, इसलिए कौन सी है पी ओ आर, पी ओ आर, ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी बराबर है हमारे पास ओ सी बटे में, ओ सी बटे में सी आर, तो ये समीकरण 2 हो गया, ये भी थेल्स प्रमेय द्वारा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी, दोनों में हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी बटे में बी क्यू बराबर है ओ सी बटे में सी आर। अब देखो हमें क्या दिखाना था, हमें ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर, पहुंच गए ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर, तो हम लिख देंगे क्योंकि समानुपात में होगी, तो हम लिख देंगे कि थेल्स कह सकते हैं कि हमारे पास बीसी समांतर है किसके, क्यू आर के। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपने माइंड में सोच सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आपको लगेंगे, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमने दोनों ही थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ भी किए और एक्टिविटी के माध्यम से भी उसको प्रूफ किया है, तो जितनी जल्दी आप इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझना शुरू कर दोगे, उतनी आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।